आरक्षी अधीक्षक कार्य घेरो करिला भारतीय जनता पार्टी पूर्व दिन कोरापुट जिलार पांचटी थाना घेरो करिबा परे पुनी आज धारणा बसछन्ते भारतीय जनता पार्टी महंगारे डबल मर्डर को लेकिन आज पुनी दाबी करिछन्ते सीधा सड़क भारतीय जनता पार्टी जेहेतु प्रधानमंत्री आवास योजना दुर्नीति विरोध में स्वर उठाइले मनीष मारुछि बीजेडी एवं महंगार डबल मर्डर को नहीं सीधा सड़क स्वर उठाई ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी आम सीधा सड़क चित्र देखेबू वर्तमान ये जो चित्र देखुं कोरापुट मुख्य आरक्षी अधीक्षक कार्यालय कार्यालय कौन सब धारणा रखिंट कौन दाबी रखिंट आम सीधा सड़क देखा आईन मंत्री जो बैनर देखुं वर्तमान सीधा सड़क बहिष्कार कर अति शीघ्र आईन मंत्री को बाहर कर ताकु नहीं बर्तन दाबी आनी आम सीधा सड़क जा सीधा कि प्रतिका रखा अच्छा भारतीय जनता पार्टी कर्मकर्ता आम सीधा सड़क प्रतिका रखा सीधा सड़क कौन कह आज देखो बर्तमान देखो सीधा प्रतिका कौन कह देख बर्तमान सारा ओडिशा रे बर्तमान ये स्वर उठाई भारतीय जनता पार्टी कौन कह देखो आज भारतीय जनता पार्टी गाँ ठारू सहर पल्ली ठारू दिल्ली पर्यंत आम समस्त आंदोलन करू ए न्याय पाइबा जदि न्याय न मिले आबे आम 147 विधानसभा सम्मुख में समस्ते का कुशपित दाह करूँ जो आईन मंत्री नए क्राइम मंत्री ए प्रताप जेना को आगामी दिन पर आम सतर्क घंटी देवा चाहूँ दिन सका 11 ठारू आज दिन तीन टा हम आम समस्त एसपी अफिस मुझे सामने साक्षात अच्छा कि राज्य सरकार दुर्नीति दुर्नीति चित्र आदि कथा उठा मर्डर चित्र आज महांगार घटना आप आज स्वर उठाई महांगारे जो होता डबल मर्डर कुलमणि बराल एवं दिव्य सिंह बराल कर जेहेतु से प्रधानमंत्री आवास योजना रे नुटांग पंचायत रे होतबा व्यापक दुर्नीति को लोकलोचन को आनी गोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करथिले जिए अन्यायर प्रतिवाद करी स्वर को शाणित कला ताकु जदि आमे प्रतिशोध परायण होइ हत्या राजनीति ये हत्या करिबा संगठित अपराध करिबा ताहेले साधारण लोक न्याय काई के पाइबे किमिति पाइबे ओडिशा वासी आज स्तब्ध प्रशासन आज स्थाणु सरकार आज अपारग ए अपराग सरकार विषय रे विरुद्ध रे आमे आज एसपी ऑफिस को आज घेराव करथुलु जेते बळ पर्यंत भारतीय जनता पार्टी न्याय न पाइबो ओडिशा वासी न्याय न पाइबे ये अभियान चालू रहिबो आमे नेता न्याय मागुछन्ति डबल मर्डर केस नै ना बजे कहिबा जे सत दिन सामने आबे चेष्टा करथि ताको मर्डर करा जेबे आपन अभियान कोन कहिबे ए देखंतो एठी विगत 20 वर्षर जो सरकार कहुछन्ति स्वच्छ शासन निर्मल भावमूर्ति प्रकृत देखंतो एमिति कोनोसी क्षेत्र नै टंकिया चाउल कथा कहतु लैट्रीन कथा कहतु आवास योजना कथा कहतु मनरेगा कथा कहतु जिते प्रकार सब स्कीम अच्छी सरकार सबुरे पीसी आदाय हो सबुरे दुर्नीति चली सबुरे एवं सरकार पर्यंत जाणुक जो सरकार यार जो दुर्नीति को जिते खुला खुलासा कला बेलू से प्रति पायण है प्रतिशोध पायण है हत्या करेणुक ए प्रकार हत्या केवे भी लोक ओडिशावासी क्षमा देवे ना केवे भी क्षमा देवे ना एवं जोटा आम दावी करूचु जे प्रताप जेना जी की केन्द्र मंत्री आईन मंत्री यही संपृक्त अच्छा हत्यार मारे सभा कथा प्रति दंड विधान हवा कथा यही आज एसपी ऑफिस सामने धारणा देलु एवं आगामी दिन में यही आम प्रतिभा
ଆମର ବିରୋଧ ଜାରି ରହିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ ଆମର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପରାଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରୁଥିଲେ ନିହାତି ସିଧା ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସିଧା ଛୋଟ ପୁତ୍ର ସିଧା ଯଦି କହିବା ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତମ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନ୍ୟାୟ ସିଧା ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଏବଂ ପଦବୀରେ ଯଦି କହିବା ସିଧା କୋରାପୁଟର ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଉପସ୍ଥିତ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆମେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବହିଷ୍କାର ଦେବେ ନହେଲେ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୁଶ ପତ୍ରିକା ଜାହା କରାହବ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେର କରିବା ଏବଂ ଧାରଣାରେ ବସିବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧାରଣାରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଠୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଯେ ଡବଲ ମର୍ଡର କଥା ମହଙ୍ଗାର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସିଧାସଳଖ ଯେହେତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେହେତୁ ଏସ୍ପି କାଉଣ୍ଟରକୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ଧାରଣାରେ ବସିବା ବିକ୍ଷୋଭ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କହିବା କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେଇ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କୋରାପୁଟରୁ ସିଧା ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।